नमस्कार, मैं ममता जानी बीएमसी न्यूज लाइव में आपका स्वागत करती हूँ। आज के हिंदी समाचारों के प्रायोजक है अलहिलाल हॉस्पिटल एंड मेडिकल सेंटर। अलहिलाल मेडिकल सेंटर सलमाबाद में डेन्यूब हॉल में डॉक्टर बुसरा द्वारा स्तन कैंसर जागरूकता के लिए एक स्वास्थ्य वार्ता का आयोजन किया। प्रदान की गई सेवाओं में 20 लोगों के लिए मिनी बॉडी चेकअप थी। हिज रॉयल हाइनेस शेख नासर ने बाप्को एनर्जीज की Q3 2023 निदेशक मंडल की बैठक की अध्यक्षता की। माननीय कार्यों और युवा मामलों के लिए राजा के प्रतिनिधि बाप्को एनर्जी के अध्यक्ष महामहिम शेख नासर बिन हम्मद अल खलीफा ने इस वर्ष की तीसरी तिमाही के लिए कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक की अध्यक्षता की। बोर्ड बैठक के दौरान महामहिम ने 2023 के पहले 9 महीने के लिए कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन की समीक्षा की और समूह की रणनीतिक योजनाओं पर चर्चा की। इन सम्मानित पहलों का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए राज्य की अपस्ट्रीम की क्षमताओं का उपयोग करना है। उसके अतिरिक्त महामहिम को प्रवर्तमान ऊर्जा परिदृश्य के लिए किंगडम की दृष्टिकोण के अनुरूप प्रमुख परियोजनाओं के बारे में अपडेट के बारे में जानकारी दी गई और बदले में बोर्ड के फंडिंग सुविधाओं के निदेशक संचालक की मंजूरी दी। इसके अलावा बोर्ड ने समूह की नई परिचालन रणनीति के साथ तालमेल बैठाते हुए शासन संरचना में सुधार का समर्थन किया, जिसे किंगडम के ऊर्जा भविष्य को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने और वितरित करने के लिए डिजाइन किया गया है। 10वां बाहरीन अंतर्राष्ट्रीय ई गवर्नमेंट फॉर्म लॉन्च किया गया। 10वां बाहरीन अंतर्राष्ट्रीय ई गवर्नमेंट फॉर्म आज शुरू हुआ। सखीर में प्रदर्शनी विश्व बाहरीन के आंतरिक मंत्री और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिक के लिए मंत्री स्तरीय समिति के अध्यक्ष महामहिम जनरल शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा के संरक्षण में आयोजित यह मंच ईआई विषय पर केंद्रित है। रिसेसेपिंग स्टडीज 11 अक्टूबर तक जारी रहेगी। बाहरीन इंटरनेट सोसाइटी के अध्यक्ष अब्दुल्ला अल हमीद द्वारा संचालित एक पैनल चर्चा के दौरान प्रतिभागियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया नेटवर्क्स विषय के तहत सोशल मीडिया नेटवर्क के प्रौद्योगिक को नियोजित करने के लिए प्रभाव का पता लगाया। उन्हें गुणवत्ता और उत्पादकता बढ़ाने, सोशल मीडिया को तेज और कुशल संचार चैनल बनाकर उद्योगों में पेशेवरों का समर्थन करने में ईआई की भूमिका पर चर्चा की। मुद्रा पोर्ट के शानदार परिचालन के द्वारा अद्वितीय विकास के 25 साल पूरे मनाया जश्न। मुद्रा पोर्ट के 25 साल पूरे होने हो गए हैं। इस अवसर पर दुनिया की सबसे बड़े बंदरगाहों में से मुद्रा को लेकर जश्न मनाया जा रहा है। 7 अक्टूबर 1998 के दिन मुद्रा पोर्ट की शुरुआत हुई। पहला जहाज एमटी अल्फा 7 अक्टूबर 1998 के दिन मुद्रा पोर्ट पर पहुंचा था। 25 साल अपने सफर के इस पोर्ट ने वैश्विक मानचित्र पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। इस अवसर पर अनादि समूह के प्रमुख गौतम अदानी ने शुभकामनाएं दी है। एक महत्वपूर्ण व्यापार प्रवेश द्वारा एक रूप में उभरते हुए मुद्रा पोर्ट के एक मल्टी मॉडल हब के रूप में विकसित हुआ है, जो व्यापार को बढ़ावा देता है और आर्थिक प्रगति को मजबूत करता है। अपनी मामूली शुरुआत से यह प्रमुखता के उभर के आई है और पिछले 25 वर्ष में राज्य और राष्ट्रीय खजाने में 2.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक का योगदान दिया है, जो भारत के आर्थिक ढांचे में उसकी केंद्रीय भूमिका को बताता है।
आज मुद्रा पोर्ट 155 MMT से ज्यादा कार्गो का मैनेजमेंट करता है। ये भारत के समुद्री कार्गो का करीब 11% है। इसी के साथ आज के समाचार आगे बढ़ने से पहले हम लेते एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं कुछ खास खबरों के साथ। The branch of Megamart and Macromart supermarkets in Bahrain has opened in Sahla. The best offers are available to the customers at affordable rates. Everyone is welcome. During and around the opening day, a variety of fish including salmon, meat and dairy products, roastery, frozen items, food and non-food items, groceries, fruits and vegetables, electronics, garments and ready-to-eat food items are available to the customers at affordable rates. Hearty welcome to all. Megamart and Macromart, your favorite shopping destination. स्वागत करती हूं एक बार फिर से बीएमसी न्यूज लाइव में और देखते हैं देश और दुनिया की कुछ खास खबरों की ओर। संगम और गर्जे राफेल चुनेक और सुखेर के MiG-21 को दी गई आखिरी विदाई। प्रयागराज से आए सूत्रों के अनुसार उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रविवार को 8 अक्टूबर को 91वां वायुसेना दिवस समारोह मनाया गया। गंगा यमुना संगम पर पहली बार फ्लाई पास्ट का आयोजन किया गया। इसमें 120 एयरक्राफ्ट के ने हिस्सा लिया। संगम पर वायु प्रदर्शन दोपहर को 2:44 पे हुआ। सबसे पहले दुश्मन को रडार से बचकर निकलने और घातक हमले करने का प्रदर्शन करते हुए संगम पर चीनूक हेलीकॉप्टर ने अपनी ताकत का एहसास कराया। इस दौरान EEN-32 विमान की मदद से आकाशगंगा समूह के 10 वायुवीर ने जहां 8000 फीट ऊंचाई से छलांग लगाकर अदम्य साहस का परिचय दिया। 8000 फीट ऊंचाई से हवा को चीरकर गरजते राफेल, सुखोद और सूर्य किरण के खतरनाक जखीरे से भारत की आसमानी सैन्य शक्ति का साक्षी बने। इसराइल के साथ मजबूती से खड़ा है भारत, नेतन्याहू ने फोन कॉल के बाद पीएम मोदी। हमास से जारी जंग के बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर उसकी जानकारी दी और बताया कि नेतन्याहू के मौजूदा हालात की जानकारी दी है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत आतंक की हर रूप से निंदा करता है। भारत इस समय इसराइल के साथ मजबूती से खड़ा है। पीएम मोदी ने पोस्ट कर किया, मैं प्रधानमंत्री नेतन्याहू को धन्यवाद देता हूं, उसके फोन कॉल और चल रही स्थिति पर अपडेट प्रदान करने के लिए। भारत के लोगों की इस मुश्किल घड़ी में इसराइल के साथ मजबूती से खड़े है। भारत आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी से कड़ी निंदा करता है। इसके पहले इजरायल के पूर्व प्रधानमंत्री और वर्तमान नेता प्रतिपक्ष यायर लादिद ने अपने देश के प्रति समर्थन जताने के लिए सोमवार को भारत के प्रति आभार व्यक्त किया था। गाजा पर शासित
फलिस्तीनी चरमपंथी समूह हमास ने शनिवार सुबह इसराइल के दक्षिणी हिस्सों पर अचानक और अभूतपूर्व हमला किया था। इसके बाद इसराइल ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए गाजा पट्टी पर कई हवाई हमले किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हमास हमले के बाद इसराइल के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए शनिवार को कहा था कि इसराइल में आतंकवादी हमलों की खबर को ये स्तब्ध हो चुके हैं। हमारी संवेदना और प्रार्थनाएं निर्दोष पीड़ित परिवारों के साथ है। इस कठिन घड़ी में हम इसराइल के साथ एकजुटता से खड़े हैं। इसी के साथ आज के ये समाचार यहीं समाप्त होते हैं। मैं ममता आपसे विदा लेती हूँ। सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और BMC न्यूज़ लाइव की ओर से आप सबको शुभरात्रि, सब्बा खैर।